पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एवन टीवी व सुनहरा राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कवि सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद एवन टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा ने सभी अतिथियों और कवियों का स्वागत कर संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल हेड जगदीश चंद्र, एवन टीवी सीईओ उत्कर्ष लोढ़ा, संपादक रमाकांत चतुर्वेदी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। कवि सम्मेलन में देश भर से आए ख्याति नाम कवियों ने देशभक्ति, वीर रस, हास्य आधारित कविताओं पर अपनी प्रस्तुति दी। कवि सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत कवियत्री अना देहलवी ने मां शारदा देवी की स्तुति से की। इसके बाद एक से बढ़कर एक कविता पाठ कर सुर्खियां बटोरी। इसके बाद युवा कवि डॉक्टर आदित्य जैन ने अपनी कविताओं की प्रस्तुति से सबका दिल जीता। वही बनज कुमार बनज और जगदेश सोलंकी ने भी कविता पाठ कर कवि सम्मेलन की शोभा को बढ़ाया। इस दौरान चैनल हेड अनिल लोढ़ा ने भी कविता पाठ किया। वहीं मंच संचालन कर रहे हरीश हिंदुस्तानी ने बीच बीच में कविता पाठ किया। इधर कार्यक्रम का संचालन प्रिंस रूबी ने किया। इस दौरान एवन टीवी परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। कभी रही लेकिन उसको पूरा किया कि होती किसी की तरह गिरफ्तार क्यों नहीं और रुकती कहीं ये वक्त की रफ्तार क्यों नहीं। रूबी लिखे जो बात को बेखौफ बेखतर, ऐसा हमारे प्रदेश में पत्रकार क्यों नहीं। तब एक नाम उभर कर आया, अनिल लोढ़ा, और उसके बाद नए आयाम स्थापित होते हुए चले गए जो आज तक बरकरार हैं। बहुत सारी तालियों के साथ, बहुत सारे सम्मान के साथ एवन टीवी चैनल के हेड आदरणीय अनिल लोढ़ा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और आप लोगों के सम्मुख अतिथियों का स्वागत करें। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि हर बार क्यों करता हूँ, कितने लोग आते हैं, क्या इससे फायदा होता है। कहीं थोड़ा बाहर की बात करते हैं, कहीं नेट पे चाहिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं, उसे जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, हम सब ये हमारे सनातनी पर्व है, संस्कृति के पर्व है, पूछ लेता हूँ, धर्म के पर्व है। लेकिन आजादी के बाद के दो नए पर्व हमें आजादी मिली जिस दिन, और जिस दिन हमारे देश को संविधान लागू हुआ, जिसने हमें वोट देने का अधिकार दिया, जिसने हमें सरकार चुनने का अधिकार दिया, जिसने राजतंत्र की दास्ता से, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति के खिलाफ जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन स्थापित करने का अवसर दिया इस देश को। आजादी के सही मायने बतलाए ये दो अवसर हैं, इसलिए मैं इनको लोकतंत्र का पर्व मानता हूं। और मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा माना जाता है, बाकी तीन स्तंभ फॉर्मल प्रोग्राम भी करते हैं, औपचारिकता भी निभाते हैं, देश के शक्ति प्रदर्शन भी होता है, परेड भी होती है, झंडारोहण भी होता है, सब होता है। लेकिन जो हमारे भीतर एक आग है, हमारे भीतर जो एक प्रवृत्ति है अपने देश से प्रेम करने की, देश से देश के लिए मर मिटने की, अपने शहीदों को नमन करना, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना, आने वाली पीढ़ी को के भीतर संस्कृति का वो बीज बोए रखना ताकि वो अपसंस्कृति के शिकार ना हो, ये हम सबका दायित्व है। ना सा वचन दिना अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह 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 आदरणीय, वाह 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 वाह। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के
हवाले कर दूं। वाह 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 ना जी, लगातार आत्मीय लोग आते जा रहे हैं। चार पंक्तियों के साथ इस यात्रा की शुभारंभ करते हैं। आप श्रोताओं की वजह से हम कवियों का वजूद है, सुनने वाले ना हो तो कवि का सार्थकता ही क्या रहेगी। चार पंक्तियां ये हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है कि आप पधारे एवन टीवी के द्वार, आपका एहसान मानते हैं। पर्वतों की चोटियों को बल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। पर्वतों की चोटियों को बल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। घुटनों के बल चले अंतस में आग पले, दीप से जले जैसे युद्ध त्योहार था। तीन रंग याद रहे तीन लोक भूल गया, तीन रंग याद रहे तीन लोक भूल गया। सात वचनों का वादा भूल में शुमार था। तीन रंग याद रहे तीन लोक भूल गया, सात वचनों का वादा भूल में शुमार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। ऐसे ही तो सैनिकों की जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। कि सैनिकों के होने से गुलजार होती सरहदें, और सरहदों पे शौर्य की कहानी लौट आती है। लौट आते हैं परिंदे सर गम गाते हुए, गंध गुनगुनाती रात रानी लौट आती है। लौट आते हैं परिंदे गंध गुनगुनाती रात रानी लौट आती है। उनकी पद चाप सुने जयकारों की जाप सुने, आवारा हवाएं बन सयानी लौट आती है। उनके पद चाप सुने जयकारों का जाप सुने, आवारा हवाएं बन सयानी लौट आती है। उम्र कोई भी वो पर इन नशीली वर्दियों में, सैनिकों को देख लो जवानी लौट आती। बहकाने में शोर का, बहकाने में शोर का बहुत बड़ा था हाथ। बहकाने में शोर का बहुत बड़ा था हाथ, वरना मेरा मौन तो खुश था मेरे साथ। वरना मेरा मौन तो खुश था मेरे साथ। और आदरणीय चंद्रराज जी के श्री चरणों में एक दोहा देखिए कि बरगद पनघट पर खड़ा, बरगद पनघट पर खड़ा लिखता है इतिहास, किस किस ने किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास। इनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा विधानसभा में और विधानसभा के बाहर राजनीति में किस किस ने किस किस तरह यहां बुझाई प्यास। और एक दोहा और सुन लीजिए कि लिखते लिखते थक चुके, लिखते लिखते ये ई को तो हटा देना और बाकी लिखते लिखते थक चुके है आंखों के हाथ। खत्म नहीं करते मगर आंसू अपनी बात। वाह भाई साहब वाह। खत्म नहीं करते मगर आंसू अपनी बात। लो आया पतझड़ और टूट गए पत्ते, लो आया पतझड़ और टूट गए और टूट गए पत्ते, शाख के स्नेह पाश से छूट गए पत्ते। वाँ, 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 वाँ,
टूट गए पत्ते, लो आया पतझड़। यों तो कितनी बार हुआ संबंधों का अंत, यूं तो कितनी बार हुआ संबंधों का अंत, पर बिन बोले चला गया अब की बार बसंत। वाह 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 वाह, किलो आया पतझड़। हाँ, पतझड़ ने पीले पत्तों के पेट पे मारी लात, पतझड़ ने पीले पत्तों के पेट पे मारी लात, अब उकड़ू बैठा रो रहा लगा ना कुछ भी हाथ, लो आया पतझड़। आपसे माफी, लेकिन आज अरे कमाल कमाल, 40 साल पुरानी कविता याद दिला दी इनके गीत ने, तो मैं आया, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे क्या, अरे नहीं नहीं, हाँ। अरे नहीं, अरे भाई भाई, मैंने तो वैसे कवि सम्मेलन में आयोजन ही करता हूँ, मैं अपनी कविता नहीं सुनाना चाहता, लेकिन आज इनके गीत ने मेरे को उड़ा कर दिया अंदर से वापस। और यही कविता का जादू है, मन उद्वेलित हो वास्तव में। वाह, और